सर आज लगभग 1.5 महीने हो गए माघ मेला कुशल संपन्न हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, आपके द्वारा कैसे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार 11 नंबर बटालियन NDRF की टीम से हूँ। और जैसा कि मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक हमारी 2 टीमें यहाँ तैनात रही DIG श्री मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देश में, और किसी भी प्रकार की पूरे मेला के दौरान कोई डूबने की घटना या बोट कैप्साइज कुछ नहीं हुई। NDRF रात दिन तत्पर रही जो भी श्रद्धालु थे उनकी सेवा करने के लिए। करके आज महाशिवरात्रि का पर्व रहा, इस मेला क्षेत्र में क्या कुछ अनुभवी आप लोगों को प्राप्त हुई? अनुभव ये रहा कि हम आगामी महाकुंभ के लिए तैयार हो गए। हमें प्रयागराज संगम त्रिवेणी में सभी घाटों के बारे में जानकारी हुआ। हमारे जितने भी बचाव कर्मी हैं उन्हें एक अनुभव मिला इस माघ मेला में आने से, ताकि आगामी आने वाले महाकुंभ में हम बेहतर तरीके से लोगों की सेवाएं दे पाएँ कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो और श्रद्धालु सकुशल यहां पर स्नान करके कल्पवास करके अपने घर वापस जा सके। हालांकि मेला लगातार शांतिपूर्ण तरीके से देखा गया कि संपन्न होता हुआ नजर आया, इसमें किस किस तरह की टीमें नियुक्त की गई थी जो पूरे माघ मेला क्षेत्र को देखती रहीं? एक्चुअली NDRF की 2 टीमें थी जिसमें प्रॉपर तरीके से गोताखोर थे, डीप डाइवर, महिला रिस्क्यूबर भी थी। किसी भी प्रकार की महिला की सुरक्षा का दायित्व हो तो हमारे पास महिला बचाव कर्मी थे, साथ में हमारे पास डीप डाइवर थे। अगर किसी गहराई में जाना हो, किसी प्रकार का ऑपरेशनल सिचुएशन क्रिएट हो तो उसके लिए हमारे पास गोताखोर थे, पर्याप्त मात्रा में बोर्ड थे, लाइव जैकेट, लाइव बॉय, सभी संसाधनों के साथ हम यहाँ तैनात थे और आगामी आने वाले महाकुंभ में भी हम इस तरह से तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए NDRF की टीम द्वारा कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? एक्चुअली जो भी श्रद्धालु आए हैं स्नान करने या कल्पवास करने के लिए, हम हर समय सभी घाटों पर मुस्तैद रहे हैं। रात दिन जो भी हमें जिम्मेदारी दिया गया था उसको हम सकुशल संपन्न कराए हैं, और उन्हें समय समय पर हम दिशा निर्देश भी देते रहे जो भी श्रद्धालु आए कि आप लाइफ जैकेट लगाकर बोटों पर जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, और उन्होंने हमारे बात को सम्मान भी किया, और यही कारण है कि अभी तक पूरा मेला में किसी भी प्रकार की कोई डूबने की घटना या बोट कैप्साइज नहीं हुई। आज मेले का समापन जिस तरह से हो रहा है, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनपद प्रयागराज वासियों को एवं मेला क्षेत्र में आए तमाम श्रद्धालुओं को? हाँ देखिए, जैसे आगामी महाकुंभ जो आने वाला है, अभी तक सबसे विशाल महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा, और NDRF उस महाकुंभ को लेकर अपनी पूरी तैयारी के साथ आगामी महाकुंभ में आने के लिए तैयार है। हमने हर तरीके का यहाँ पे सर्वे कर लिया है, तो सभी श्रद्धालुओं को यह मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा के लिए 11 नंबर बटालियन या पूरे इंडिया में जो भी NDRF हमारी टीम है और इंडिया लेवल में सभी टीमें यहाँ आएंगी और आपका सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार NDRF वाराणसी के टीम से। धन्यवाद।